जब हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ईद का दिन करीब आया तो इमाम हसन और इमाम हुसैन अपनी माँ हजरत फातिमा के पास आए और कहने लगे कि सारे बच्चे नए नए कपड़े ले रहे हैं और हमारे कपड़े कहाँ हैं, क्या हम ईद के दिन नए कपड़े नहीं पहनेंगे। तो हजरत अली और हजरत फातिमा अपना सब कुछ गरीबों में बांट देते थे। घर में इतना पैसा भी नहीं था कि जिससे इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए नए कपड़े लिए जाए, लेकिन अपने मासूम बच्चों को देखकर हजरत फातिमा ने कह दिया कि सबर करो और सो जाओ, तुम्हारा कपड़ा दर्जी लेकर आ रहा है। बस इतना कहना था कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए जन्नती लिबास भेजा, जिस कपड़े को पहनकर इमाम हसन और इमाम हुसैन ने ईद की नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह, ये है अहले बैत की शान। तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।